हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, गेटिंग टू नो प्लांट्स ऑफ क्लास 6 साइंस। इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैंने यहाँ समराइज़ किया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली बात, ये चैप्टर प्लांट से रिलेटेड है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन दिस चैप्टर। और ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, इनको हम बहुत से बेसिस पर कैटेगराइज करेंगे, बहुत से बेसिस पर इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्लांट्स कुड बी ऑफ 3 टाइप्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो उसके बारे में हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो साइज़ के बेसिस पर प्लांट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वीक स्टेम्स, इसके बेसिस पर भी प्लांट्स को हमें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, कि कितने दिनों तक प्लांट जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उसका लाइफ साइकिल कितना लॉन्गर है या कितना शॉर्टर है, इस पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट्स कितने टाइप के होंगे। सो ये पहला टॉपिक है जो फर्स्ट 2 पेजेस में कवर किया गया है। सो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर में, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में 2 बेसिक पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सो वी ऑलरेडी नो वॉट रूट सिस्टम इज़ एंड वी हैव लिटिल बिट स्टडीड अबाउट शूट सिस्टम ऑल्सो। तो यहाँ पर रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों को पढ़ना है और उसके डायग्राम्स को भी जानना है और कैसे डायग्राम में फिगर से हम कैसे उसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब चीज़ भी हम लोग देखेंगे चैप्टर में। उसके बाद रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम से रिलेटेड जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो सब पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं रूट सिस्टम में या शूट सिस्टम में, उसके बारे में डिटेल्स में चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपको यहाँ रूट सिस्टम से रिलेटेड दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ अबाउट रूट्स। तो सबसे पहला तो हमें रूट्स के बारे में पढ़ना है, रूट सिस्टम में रूट्स प्रेजेंट होता है तो रूट्स के बारे में पढ़ना है। रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ना है, तो यहाँ हम 2 टाइप्स के रूट्स पढ़ेंगे। पहला तो टैप रूट होता है, दूसरा फाइब्रस रूट होता है, जिसको हम एडवेंटिशियस रूट्स भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ हम लोग को पढ़ना है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रूट्स, कितने टाइप के रूट्स होते हैं। उसके बाद रूट्स के फंक्शंस को जानना है कि रूट का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, क्या काम होता है प्लांट बॉडी में, ठीक है। एंड नेक्स्ट दैट वी हैव टू नो, दैट इज़ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि रूट्स अगर अपना ओरिजिनल वर्क नहीं करेंगे बॉडी में, प्लांट बॉडी में, तो उनको किसी और चीज़ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं, इस टेक्निक को मॉडिफिकेशन कहते हैं। मतलब यूजिंग अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज़ नॉट यूज्ड एज अ रूट बट इट कुड बी यूज्ड लाइक समथिंग एल्स। जैसे कि रूट्स को हम लोग फूड स्टोर करने के लिए कहीं कहीं पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैरेट इज़ अ काइंड ऑफ रूट जिसमें कि फूड स्टोर होता है, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स उसमें स्टोर होते हैं। फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बनता है, जो फूड बनता है, वो कैरेट प्लांट में, कैरेट के रूट में जाकर जम जाता है या स्टोर हो जाता है और उसी को फर्दर हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रूट मॉडिफिकेशन। तो इस तरीके के और भी रूट मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, जहाँ पर रूट अपना जो बेसिक फंक्शन है उसके अलावा और भी दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मॉडिफाई कर दिए जाते हैं रूट्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है और वो कोई अलग ही टाइप के मॉडिफाइड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट रूट्स के बाद हम लोग शूट सिस्टम में आएंगे। रूट सिस्टम में हमें यही सब पढ़ना था, अबाउट टाइप्स एंड फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस। उसके बाद हम लोग शूट सिस्टम्स के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें पहला पार्ट हम लोग को देखना है अबाउट स्टेम्स। तो स्टेम्स में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्टेम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेम का पूरा स्ट्रक्चर और उसका डायग्राम दिया हुआ रहेगा और उसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे। पार्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों को पढ़ना है बड्स, ठीक है, एंड उसके डिफरेंट टाइप्स। सो यहाँ पर हम लोग 3 डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 डिफरेंट बर्ड्स वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर। और वो पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेम के स्ट्रक्चर में। इसके बाद स्टेम का जो बेसिक फंक्शंस होता है, जो वो प्लांट बॉडी में परफॉर्म करता है, जैसे रूट्स के केस में हम लोगों ने फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस पढ़ा था, उसी तरीके से स्टेम में भी हम बेसिक फंक्शन
एंड स्पेशल मॉडिफिकेशंस, ये दोनों चीज़ स्टेम में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो शूट सिस्टम का पार्ट है दैट इज़ लीव्स, लीव्स के भी हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने वाले हैं और उसका डायग्राम देखेंगे हम लोग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ, कैसे लेबलिंग करना है, कैसे ड्रॉ करना है, कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है, ये सब भी हम लोग देखने वाले हैं लीव्स के टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीव्स में, दैट इज़ वेनेशन, एंड वेनेशन भी फिर दो टाइप के होते हैं, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। तो वेनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोगों को लीव्स के टॉपिक में पढ़ना है। इसके बाद फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है लीव्स प्लांट बॉडी में, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, एंड लीव्स को अगर हम मॉडिफाई कर दें तो हम उसको क्या दूसरे किसी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं, वो हम लोग मॉडिफिकेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, जिससे कि कोई भी प्लांट मल्टीप्लाई कर सकता है, जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड फ्लावर के पार्ट्स हम लोग को पढ़ने हैं, फ्लावर का एक बहुत ही एलैबोरेट डायग्राम है आपके बुक में, उसको हम लोगों को जानना है, समझना है कि उस डायग्राम में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या समझना है उसमें, और उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम लोगों को लेबल करना सीखना है, और उन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर के फंक्शंस क्या क्या हैं ये समझेंगे। देन फ्रूट्स एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जिसका हमको फंक्शंस समझना है कि फ्रूट का क्या फंक्शन होता है प्लांट बॉडी में, ठीक है। अब इस फ्लावर और फ्रूट से रिलेटेड एक कॉमन टॉपिक है पॉलिनेशन, और उसी से रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड फिर उसी से रिलेटेड है, पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन, ये दोनों फ्लावर और फ्रूट इन दोनों से रिलेटेड है। तो जैसे हम लोग फ्लावर एंड फ्रूट समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन भी समझ लेंगे, ओके। सो एज़ यू सी ऑन योर स्क्रीन्स कि इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में समझना है, ओके। सो वन बाय वन वी विल बी टैकलिंग ईच ऑफ द टॉपिक्स। सबसे पहले तो हमें टाइप्स ऑफ प्लांट समझना होगा, उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो विल ट्राई एंड फिनिश द चैप्टर, बट देखते हैं कितना कंप्लीट हो सकता है। एज़ यू कैन सी दैट देर आर मेनी न्यू टॉपिक्स देर इन द चैप्टर, बहुत सारी नई वर्ड्स आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे लीफ वेनेशन में बी यू हैव नॉट स्टडीड दैट बिफोर, ऑफ सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, तो काफ़ी नए टॉपिक्स हैं एंड चैप्टर इज़ ऑल्सो अ बिट लेंदी, तो ठीक है जितना हो सकेगा हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड अगर ये अभी फर्स्ट टर्म से पहले आपका कंप्लीट नहीं होता है तो देन वी विल बी लीविंग द चैप्टर इन बिटवीन, एंड देन हम लोग रिविजन पे फोकस करेंगे, बिकॉज स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिटवीन योर एग्ज़ाम एंड योर रिविजन, तो काफ़ी टाइम है दोनों चीज़ों के बीच में, इसीलिए मैंने सेकेंड टर्म का एक और चैप्टर शुरू किया है आज। ये अगर फिनिश नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट अ लेंथी चैप्टर, अगर ये फिनिश नहीं होता है वी विल लीव इट इन बिटवीन, एंड देन हम लोग रिविजन के लिए क्लासेस हम लोग रखे हुए हैं, तो रिविजन हम लोग उस टाइम शुरू करेंगे। अगर तब तक फिनिश नहीं होता है तो देन कोई बात नहीं है, इसको हम लोग सेकेंड टर्म में भी कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज़ आफ्टर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स, ठीक है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स देख लेते हैं कि कितने टाइप ऑफ प्लांट होते हैं, ठीक है, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ट्रीज और प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरीके के प्लांट्स होते हैं, अगर साइज पर उनको डिफरेंशिएट किया जाए, कैटेगराइज किया जाए, तो तीन तरीके के प्लांट्स होते हैं। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ देयर स्टेम्स प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज, तीन तरीके के प्लांट्स होंगे, हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज। तो एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं क्या बताया गया है बुक में। सबसे पहले हर्ब्स होते हैं स्मॉल प्लांट्स, छोटे प्लांट्स, स्मॉल साइज्ड प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स बोलेंगे। उसी तरीके से श्रब्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स, मतलब बहुत बड़ा प्लांट भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा प्लांट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम मॉडरेट साइज के प्लांट्स को हम श्रब्स बोलते हैं। एंड बिग एंड टॉल ट्रीज को हम लोग
बिग एंड टॉल प्लांट्स को हम लोग ट्रीज बोलेंगे, जो बहुत ही साइज़ में बड़े होते हैं ट्रीज़, उनको हम लोग बिग या टॉल प्लांट्स को हम लोग ट्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो जिनका हाइट ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग ट्रीज बोलेंगे। एग्जैक्टली कितना हाइट के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसको हम स्मॉल बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे या टॉल प्लांट्स बोलेंगे, तो आखिर एग्जैक्टली कितने हाइट के बारे में यहाँ बात हो रहा है, तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ हर्ब्स के बारे में लिखा हुआ है दैट दे डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर इन हाइट, तो अप्रॉक्स हर्ब्स का जो हाइट होता है वो लेस देन 1 मीटर या इक्वल टू 1 मीटर का हाइट होता है। 1 मीटर से ज़्यादा हाइट के हर्ब्स नहीं होते हैं। अगर कोई प्लांट 1 मीटर से ज़्यादा हाइट का है तो फिर हम उसको हर्ब्स बिल्कुल नहीं कहेंगे, या तो हम उसको श्रब्स बोलेंगे या तो उसको हम ट्रीज बोलेंगे। अब श्रब्स का हाइट का रेंज कितना है, यहाँ लिखा हुआ है दैट इट शुड ग्रो टिल 1 to 3 meters इन हाइट, मतलब 1 meter से 3 meter के हाइट का जो भी प्लांट होगा उसको हम श्रब्स बोल सकते हैं, ओके। और उसके बाद ट्रीज के बारे में बताया गया है दैट दे आर जनरली मोर देन 3 meters टॉल, मतलब 3 meter से ज़्यादा जो लंबे पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको हम ट्रीज के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके स्टेम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टेम्स के बारे में क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि हर्ब्स का जो स्टेम्स होता है वो सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है, मतलब नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी वुडी, बहुत ज़्यादा नर्म और सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स होता है हर्ब्स का। श्रब्स के केस में बताया जा रहा है दैट दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, जो कि ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, पतले स्टेम्स होते हैं, लेकिन जो स्टेम्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं एंड वुडी होते हैं, मतलब ग्रीन स्टेम्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ जो ट्रीज़ के बारे में लिखा गया है, ट्रीज़ के बारे में लिखा गया है कि जो मेन स्टेम है ट्रीज़ का उसको हम ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक ऑफ द ट्री कहते हैं, और ये बहुत ही थिक होता है एंड हार्ड होता है एंड वुडी होता है, ओके। सो यहाँ स्टेम्स के थिकनेस के बारे में, उसके अपियरेंस के बारे में भी डिफरेंसेस बताया गया है कि हर्ब्स में जो स्टेम्स होगा वो सॉफ्ट एंड ग्रीन होगा एंड उसको आप आराम से तोड़ पाएंगे, एंड श्रब्स के केस में जो स्टेम्स होगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट, बहुत हार्ड स्टेम्स होगा, लेकिन वुडी स्टेम्स होगा और बहुत ही थिक स्टेम्स नहीं होगा, पतला स्टेम्स होगा। और यहाँ ट्रीज़ के केस में बताया जा रहा है कि जो स्टेम है उसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, जो मेन स्टेम होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं, ट्रंक ऑफ द ट्री कहते हैं, और वो बहुत थिक होता है, वुडी होता है, एंड उसका एक स्पेशल नाम भी होता है जिसको हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। सो थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम, दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रंक ऑफ द ट्री। अब ये तो खैर बेसिक डिफरेंसेस हो गए, और भी चीज़ें हैं जो इसके ब्रांचेस के बारे में बताया गया है कि अपार्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ द स्टेम इट हैज़ ऑल्सो बीन समथिंग ऑल्सो हैज़ बीन गिवन अबाउट द ब्रांचेस। हर्ब्स में बोला जाता है दैट हर्ब्स के पास बहुत कम ब्रांचेस होते हैं, बहुत कम डालियाँ होती हैं, बहुत कम उसकी शाखाएँ होती हैं, बहुत कम ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हर्ब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसर प्लांट्स नहीं होते हैं, कि उनका बहुत सारा ब्रांचेस नहीं होता है, कम और बहुत फ्यू ब्रांचेस होता है। श्रब्स के केस में ये बताया गया है कि श्रब्स जो हैं उनके जो ब्रांचेस हैं वो हमेशा बेस ऑफ द स्टेम से उगते हैं, वो हमेशा बेस ऑफ द स्टेम से उगना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ब्रांचेस कैन बी सीन ग्रोइंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ओके। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रीज में कि ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द हाइट, बेस ऑफ द स्टेम्स में स्टेम से वो नहीं उगते हैं, वो हाइट पर उगते हैं, ब्रांचेस जो हैं वो हाइट से उगना शुरू करते हैं, बेस से उगना शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। सो लेट अस समराइज ऑल द डिफरेंसेस टुगेदर, एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है हर्ब्स का मस्टर्ड, मिंट, वीट, कोरिएंडर, पेटूनिया एंड बैल्सम। उसी तरीके से श्रब्स का एग्जाम्पल है रोज़, लेमन, पोमेग्रेनेट, बोगेनवेलिया एंड
मैन है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ट्रीज का एग्जाम्पल है नीम, पीपल, मैंगो, कोकोनट, बबूल एंड यूकलिप्टस। ओके, सो सारे एग्जाम्पल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट टू टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच यू शुड नो एंड कीप इन माइंड कि कभी भी अगर पूछा जाए तो कम से कम आप दो दो एग्जाम्पल्स सबका आपको आना चाहिए, हर्ब्स का, श्रब्स का एंड ट्रीज का। ठीक है, तो लेट अस समराइज ऑल द डिफरेंसेस टुगेदर वन बाय वन। ठीक है, ओके, वन सेकेंड। ओके, सबसे पहले हर्ब्स लिखते हैं। ओके, अब हम लोग समराइज करते हैं इसमें जो डिफरेंसेस हैं, हम लोग समराइज करेंगे वन बाय वन कि हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में क्या क्या डिफरेंसेस होने चाहिए। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये है दैट दीज आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। ओके, और श्रब्स मीडियम साइज्ड प्लांट्स और ट्रीज में लिखना है बिग एंड टॉल प्लांट्स। ओके, यहाँ पर हाइट अगर पूछा जाए कितने हाइट तक मैक्सिमम उगता है, तो यहाँ पर हम बताएंगे 1 meter, राइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्स हाइट दैट इट कैन अचीव। और यहाँ पर मैक्स हाइट इसका श्रब्स में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था वो है 1 to 3 meters ऑफ हाइट। उसी तरीके से ट्रीज में मैक्सिमम जो हाइट होती है दैट इज मोर देन 3 meter, 3 meter से ज़्यादा का हाइट है ना, वो ट्रीज का हाइट होगा। उसी तरीके से स्टेम के बारे में क्या बताया गया है, व्हाट इज़ बीन टोल्ड अबाउट स्टेम्स। स्टेम्स हर्ब्स में सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं और वुडी बिल्कुल नहीं होते हैं ना। सॉफ्ट हैं तो मतलब सॉफ्ट स्टेम्स, दैट मीन्स इट इज़ नॉट वुडी, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड। सो सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स प्रेजेंट इन हर्ब्स एंड श्रब्स के केस में जो स्टेम्स हैं दैट इज़ वुडी एंड नॉट ग्रीन, ग्रीन कलर के स्टेम्स नहीं होते हैं, वुडी स्टेम्स होते हैं, हार्ड स्टेम्स होते हैं बट पतले स्टेम्स होते हैं, थिन स्टेम्स होते हैं। ठीक है, और ट्रीज के केस में स्टेम्स वुडी होते हैं, बहुत हार्ड स्टेम्स होते हैं एंड मोटे स्टेम्स होते हैं, थिक स्टेम्स होते हैं। और जो मेन स्टेम है उसको एक नाम दे दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रंक, ट्रंक ऑफ द ट्री, राइट। उसके बाद ब्रांचेस के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ब्रांचेस के बारे में क्या बताया गया है कि जो हर्ब्स होता है उसमें बहुत फ्यू ब्रांचेस होता है, बहुत कम ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये लेस डेंस प्लांट कहलाता है। बहुत कम डेंसिटी होती है इस प्लांट की, लेस डेंस प्लांट, लेस डेंसर प्लांट फ्यू ब्रांचेस के वजह से। ठीक है, श्रब्स के केस में ब्रांचेस के नंबर के बारे में तो नहीं कहा गया कुछ, लेकिन श्रब्स के केस में ये बताया जा रहा है दैट ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, राइट, ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम
द बेस ऑफ द स्टेम. ओके, उसी तरीके से ट्रीज के केस में ब्रांचेस के बारे में बताया गया है दैट ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम अ हाइट नॉट फ्रॉम द बेस. ऑल राइट, सो ब्रांचेस हमेशा हाइट से उगना शुरू होते हैं, बेस ऑफ द स्टेम से नहीं उगते हैं. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो आपके बुक में है हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज को लेकर. नाउ लेट अस राइट सम एग्जांपल्स, एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं तीनों का. सो हर्ब्स का एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं मस्टर्ड, मतलब सरसों. तो सरसों, कोरिएंडर, मतलब धनिया, ये सब का जो पेड़, ये सब का जो पौधा होता है वो सब हर्ब्स के कैटेगरी में आता है. उसी तरीके से श्रब्स के केस में हम रोज़ प्लांट लिख सकते हैं, राइट. और ट्रीज़ के केस में हम लोग नीम का प्लांट लिख सकते हैं, नीम प्लांट और नीम ट्री. सो ट्रीज़ के केस में वो एक एग्जांपल हो गया. सो बेसिकली दो दो एग्जांपल याद रख लीजिएगा एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंसेस आर वेरी मच क्लियर टू यू कि कैसे कैसे दो तीनों में डिफरेंशिएट करना है. आई होप दैट इज़ क्लियर. पहला तो आपको प्लांट के साइज की साइज पर आपको बताया जा रहा है कि सबका हाइट अलग अलग होना चाहिए, फिर उसके स्टेम्स के बेसिस पर डिफरेंसेस बताया गया है, और उसके बाद ब्रांचेस के बेसिस पर डिफरेंस बताया गया है. ठीक है, तो तीन अलग अलग टाइप का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा एंड एग्जांपल्स तो डेफिनेटली इट इज़ गिवन इन द बुक. सो कम से कम दो दो एग्जांपल याद कर लेना है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि प्लांट्स को हम लोग उसके वीक स्टेम्स के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं. कि अगर कुछ प्लांट्स का वीक स्टेम होता है, मतलब कमज़ोर अगर उसके स्टेम्स होते हैं जो सीधे अपराइट स्टैंड नहीं कर सकते हैं, जो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, वैसे प्लांट्स को हम लोग दो अलग अलग नाम से बुला सकते हैं. उन प्लांट्स को या तो हम क्रीपर्स कह सकते हैं या तो क्लाइंबर्स कह सकते हैं. क्रीपर्स मतलब जो कि ज़मीन पर रेंगते हैं या जो ज़मीन पर क्रीप करते हैं, ज़मीन पर ही वो उगते हैं, है ना, ज़मीन पर ही वो ग्रो करते जाते हैं और वो ऊपर नहीं उठ पाते, दे कैन नॉट राइज अबव. और क्लाइंबर ऐसे प्लांट्स होंगे जो जिनको किसी एक सपोर्ट का एक सपोर्ट चाहिए होता है हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए या क्लाइंब करने के लिए. तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. अलोंग द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर ही वो रेंग कर उगते हैं और वो ऊपर हाइट उनकी अचीव नहीं हो पाती है, वो स्टैंड अपराइट नहीं कर पाते हैं, मतलब सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वो ज़मीन पर ही रेंग कर उगते हैं. जैसे बॉटल गर्ड मतलब लौकी को हम लोग हिंदी में बॉटल गर्ड कहते हैं. पम्पकिन, क्यूक्यूम्बर मतलब खीरा. तो ये सारे जो भी प्लांट्स का नाम यहाँ दिया हुआ है ये सब ज़मीन पर रेंग कर ही उगते हैं, उनकी कोई बहुत अपराइट या स्ट्रेट कोई उनका प्लांट नहीं होता है. तो दे आर क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड एंड दे आर ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड. और ज़मीन पर ही इनका फल भी लगता है और ज़मीन पर ही ये क्यूक्यूम्बर, पम्पकिन वगैरह ये सारा ज़मीन पर ही उगता है. ठीक है, और उनकी उनके जो बड़े बड़े ऐसे पेड़ नहीं होते हैं, जैसे नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ है या बबूल का बड़ा पेड़ होता है, कोकोनट का बड़ा पेड़ होता है एंड दे आर स्टैंडिंग अपराइट ऑल द टाइम, वैसा कुछ सिचुएशन क्रीपर्स के साथ नहीं होता है. नेक्स्ट, क्लाइंबर्स का क्या है यहाँ पर, कि क्लाइंबर्स दे ग्रो अपवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट. क्लाइंबर्स ऊपर की तरफ तभी बढ़ सकते हैं, ऊपर की तरफ तभी ग्रो कर सकते हैं जब उनको कोई आर्टिफिशियल या मैकेनिकल सपोर्ट मिले. मतलब सपोज़ कोई दीवार मिल गया, दीवार के सहारे, वॉल के सहारे वो ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, या कोई अलग से आर्टिफिशियल वहाँ कोई पाइप है या कोई वाटर पाइप का कोई रॉड है,
उसके सहारे वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या अपवर्ड्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कभी भी खुद के बल पर या खुद के एबिलिटी से क्लाइंबर्स अपने आप अपराइट या ऊपर की तरफ नहीं उठ पाते हैं। दे ऑलवेज नीड अ एक्सटर्नल सपोर्ट विच विल सपोर्ट देम इन ऑर्डर टू ग्रो अपवर्ड्स। तो वैसे एग्जाम्पल के लिए, वैसे टाइप के प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं पी प्लांट एंड मनी प्लांट। आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन सच प्लांट्स। मनी प्लांट वगैरह बहुत लोगों के घर में होता है और उनको ऊपर की तरफ सपोर्ट देने के लिए हम लोग उसको धागे से कभी कभी बांध देते हैं ऊपर की तरफ, या तो उसको कोई एक मैकेनिकल या एक एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसको पकड़कर या जिसके सपोर्ट के मदद से वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू करते हैं। सो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट के कैटेगरीज हैं जिनमें प्लांट्स के स्टेम्स इतने वीक होते हैं कि वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, या तो वो ज़मीन पर रेंग कर उगते हैं या तो किसी के मदद से वो ऊपर की तरफ ग्रो कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के मदद से वो ऊपर की तरफ ग्रो कर सकते हैं। तो जो प्लांट्स ज़मीन पर रेंग कर उगते हैं उनको हम क्रीपर्स कह सकते हैं, और जो प्लांट्स किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के मदद से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं उनको हम क्लाइंबर्स कह सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके चैप्टर में है वो है कि प्लांट्स को हम लोग उसके लाइफ स्पैन के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लांट्स कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं इस पर भी प्लांट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन कि कितना दिन तक उनका लाइफ चलेगा या कितने दिन तक वो सर्वाइव कर पाएंगे, इस पर प्लांट्स तीन टाइप के हो सकते हैं। इट कुड बी एनुअल्स, इट कुड बी बाइनियल्स और इट कुड बी पेरिनियल्स। ओके, तीन टाइप के प्लांट्स हैं, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। अब इनका क्या क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड। ऐसे प्लांट्स जिनका कंप्लीट एंटायर लाइफ साइकिल, पूरा जिनका लाइफ स्पैन एक साल का हो सकता है या एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है या एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट हो जाता है, वैसे प्लांट्स को हम एनुअल्स कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर एंटायर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब कहाँ, क्या मतलब है, सीड से लेके फ्लावर बनना, सीड से फ्लावर बनने तक का जो सफ़र होता है, ये पूरा जो लाइफ साइकिल है, पूरा जो जर्नी है, अगर ये एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाए या एक ग्रोइंग सीजन के अंदर कंप्लीट हो जाए या एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, एनुअल्स कहेंगे। इसके बाद जैसे उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद प्लांट्स मर जाते हैं, देन प्लांट्स डाई। ओके, इसके एग्जांपल्स कई सारे हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है राइस, मस्टर्ड, मेज़। ये सब क्या है कि हम एक साल तक ही इसकी कल्टीवेशन करते हैं, एक साल तक ही राइस का खेती होता है या मेज़ हम लोग उगाते हैं या मस्टर्ड उगाते हैं, और एक साल के बाद जब राइस कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है तो राइस का हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और क्रॉप्स कलेक्ट कर लेते हैं, फिर नया राइस हम लोग को ग्रो करना पड़ता है। उसी राइस प्लांट से जिसका हम लोगों ने क्रॉप हार्वेस्ट करके काट कर अलग कर लिया, उसी राइस से फिर हम दोबारा से और राइस नहीं उगा सकते हैं। यू हैव टू फाइनली अपरूट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द राइस प्लांट एंड फिर से आपको सोइंग ऑफ सीड्स करना पड़ेगा और फिर से नया प्लांट उगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ग्रोइंग सीजन में या एक साल के अंदर तक जो भी प्लांट्स जिंदा रहते हैं और उसके बाद जिनका डेथ हो जाता है, वैसे प्लांट्स को हम लोग एनुअल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद उसी तरीके से अगर प्लांट्स अपना पूरा लाइफ साइकिल दो साल के अंदर कंप्लीट करेंगे तो वैसे प्लांट्स को हम बाइनियल्स कहेंगे। ओके, इसके बाद इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में रेडिश, टर्निप, कैरेट, ये सब बाइनियल्स के एग्जांपल्स हैं। उसी तरीके से ऐसे प्लांट्स जो दो साल से ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह पाते हैं और दो साल से ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है, उनको हम पेरिनियल्स कहेंगे। इसके एग्जांपल है मैंगो, गुआवा, बबूल, नीम एक्सेट्रा, राइट। तो ऐसे प्लांट्स को पेरिनियल्स कहा जाएगा। अब बहुत ही ईजी है इसको याद रखना, इट इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर, बहुत कुछ खास मुश्किल नहीं है। जैसे एनुअल कहा जाता है तो एनुअल का मतलब ही होता है ईयरली, है ना, एक साल में, मतलब वन ईयर।
इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल एग्जाम्स कहते हैं। तो एनुअल एग्जाम्स मतलब एक साल में होने वाले एग्जाम्स को हम एनुअल एग्जाम्स बोलते हैं, राइट। या एक साल के एंड में जो एग्जाम होता है उसको हम एनुअल एग्जाम्स बोलते हैं। तो एनुअल मतलब ही होता है ईयरली, या एक साल के अंदर ड्यूरेशन में जो भी काम होता है उसको हम एनुअल बोलेंगे, है ना। तो एनुअल्स प्लांट हमेशा उसके वन ईयर लाइफ स्पैन को इंडिकेट करता है। ये जो वर्ड है एनुअल, दैट इंडिकेट्स वन ईयर लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट्स, तभी उसका नाम एनुअल्स पड़ा है। उसके बाद बाइनियल्स, जब हम लिखते हैं बाइनियल्स, इसमें जो ये वर्ड है बाई, दिस वर्ड बाई स्टैंड्स फॉर द नंबर टू। इसका जो मतलब होता है केमिस्ट्री में, उसका मतलब है टू, इट डिनोट्स टू। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में इसको हम लोग टू डिनोट करते हैं, ओके। सो बाई का मतलब हो गया टू, एंड बाइनियल्स मतलब दो साल का जिसका लाइफ स्पैन होगा वैसे प्लांट्स को बाइनियल्स बोलेंगे। तो इससे आप बाइनियल्स याद रख सकते हैं। उसी तरीके से पेरिनियल कैसे याद रखेंगे, पेरिनियल्स भी याद रखना बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो वर्ड है पेरिनियल, पेरिनियल हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में भी, वहाँ हम लोग पढ़ते हैं पेरिनियल रिवर्स के बारे में, ठीक है, पेरिनियल रिवर्स के बारे में। तो रिवर्स भी ऐसे हो सकते हैं, ऐसी नदियाँ होती हैं जो सालों भर बहती हैं, जो सूखता नहीं है। ऐसा भी नदी हो सकता है जो साल में कभी भी नहीं सूखता है और कंटिन्यूसली वो बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, हमेशा उसमें पानी अवेलेबल होता है। बट ऐसे भी रिवर्स हो सकते हैं जो साल के कुछ ड्राई सीज़न के दौरान या समर सीज़न के दौरान ऐसी कुछ नदियाँ होती हैं जो सूख जाती हैं। तो ऐसी नदियाँ, ऐसे रिवर्स जो कि सालों साल तक सूखते नहीं हैं और उसमें हमेशा पानी अवेलेबल होता है, वैसे रिवर्स को हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। तो पेरिनियल वर्ड एक तरीके से रिवर्स से आता है, रिवर्स को पेरिनियल कहा जाता है। तो पेरिनियल मतलब जो हमेशा के लिए रहेगा, या थ्रू आउट या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिंदा रहेगा या सर्वाइव कर पाएगा, उसको हम पेरिनियल बोलेंगे। तो पेरिनियल यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, ऐसे प्लांट्स को बोला जा रहा है जो दो साल से ज़्यादा टाइम के लिए ज़िंदा रह पाते हैं, मतलब ज़्यादा वक्त के लिए जो ज़िंदा रह पा रहा है उसको हम पेरिनियल प्लांट्स बोल रहे हैं या पेरिनियल्स कह रहे हैं, है ना। तो जैसे रिवर्स के केस में हम लोगों ने समझा ज्योग्राफी में, जैसे आपको बताया जाता है पेरिनियल रिवर्स, मतलब वैसे रिवर्स जो बहुत सालों तक बहते रहते हैं और वो जल्दी सूखते नहीं हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, वैसे ही प्लांट्स का भी आपको समझना है वैसे ही तरीके से, कि प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं, दो साल से ज़्यादा जो ज़िंदा रह सकते हैं, उनको हम पेरिनियल्स कहेंगे, ओके। और एग्जांपल्स उसी तरीके से याद रख लेना है आपको, सबका कम से कम दो दो एग्जांपल याद रख लेना है। एनुअल्स का कम से कम दो एग्जांपल, बाइनियल्स का दो एग्जांपल एंड पेरिनियल्स का दो एग्जांपल, ओके ओके स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट स्टार्टिंग दैट टॉपिक टुडे, बिकॉज इट विल बी अ लेंथी टॉपिक और मुझे फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो आपका बाकी क्लासेस भी आपको ज्वाइन करना है, तो इसलिए मैं इस क्लास को यहीं फिनिश कर रही हूँ। और बाकी का जो भी पोर्शन है, जैसे नेक्स्ट क्लास में हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट शुरू करना है, वी हैव टू स्टार्ट विथ पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द नेक्स्ट क्लास। सो पार्ट्स ऑफ प्लांट में रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम के बारे में हम लोग सीखेंगे, जो कि आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, एंड यहाँ पर और डिटेल्स में आपको जानना है, उसके डायग्राम को भी समझेंगे, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर हम फिनिश कर रहे हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है दैट्स अ लेंथियर टॉपिक, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसीलिए अभी जितना टाइम बाकी है उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। सो आई होप आज के क्लास में जो भी मैंने आपको सेकेंड टर्म का ये जो चैप्टर मैंने शुरू किया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो बाकी टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल चैप्टर आपको चाहिए जिसका रिवीजन आप चाहते हैं, अलग से कोई चैप्टर अगर आप चाहते हैं जिससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, या जिसको आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन से आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका आप ज़्यादा
प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो चैप्टर का नाम आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा एंड मुझे बताइएगा, एंड लेट मी नो दैट विच चैप्टर यू वांट स्पेसिफिकली टू हैव अ एमसीक्यू क्लास, जिसके लिए एक एमसीक्यू रिवीजन क्लास का अगर आप चाहते हैं तो वो एक हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं. बट यू हैव टू टेल मी अ चैप्टर स्पेसिफिकली, जो चैप्टर्स आप चाहते हैं कि जिसका स्पेसिफिक एमसीक्यू रिवीजन क्लास हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई ट्राई एंड ऑर्गेनाइज अ क्लास फॉर दैट. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम एंड विल कंटिन्यू विथ गेटिंग टू नो प्लांट्स. ओके, थैंक यू.